आज हम एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इसके लिए हमने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसके पीछे ये अस्तर जॉइन किया है। यहाँ आप इसके अंदर रबर शीट डाल सकते हैं या फोम लगाकर क्विल्ट करके भी ऐसे दो पीसेस ले सकते हैं। और इसका मेजरमेंट है 14.5 इंच बाय 27 इंच, 14.5 इंच बाय 27 इंचेस के ये दो पीसेस हमने लिए हैं। दोनों के पीछे अस्तर जॉइन किया है। इसके बाद हमने एक प्लास्टिक का पीस लिया है और इसका मेजरमेंट है 30 इंचेस बाय 3 इंचेस, 30 इंच बाय 3 इंच का एक पीस हमने लिया है। और ये पाइपिंग हमने तैयार पाइपिंग ली है, यहाँ आप फैब्रिक की भी पाइपिंग जोड़ सकते हैं। यहाँ ऊपर की साइड में हम ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए, और यहाँ हमें सिलाई करना है नीचे की साइड में। देखिए, ऐसे हमने ये प्लास्टिक के ऊपर की साइड में पाइपिंग की है। और पाइपिंग करने के बाद यहाँ से हमने इसके ऊपर, ये पट्टी के ऊपर हमने मार्क किया है 3 इंच के हमने मार्क किए हैं आगे तक, ठीक है। इसके बाद ये पीस हमने लिया, ये 14.5 इंच की साइड है। तो यहाँ से हमने ये जो सिलाई है, सिलाई के यहाँ से यहाँ हमने 1.5 इंच का मार्क किया है, यहाँ से 1.5 इंच, ऐसे हमने 1.5 इंच के मार्क किए हैं। और यहाँ सिलाई आएगी तो यहाँ से 1.5 इंच हमने लिया है, यहाँ से 1.5 इंच, और ऊपर हमने ऐसे एक 1.5 इंच के ऊपर तक लाइन ड्रॉ किए हैं। इसके बाद ये पीस हम लेंगे, ऐसे ये पहला 3 इंच का मार्क इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से 1.5 इंच का जो मार्क है इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे नीचे से, ऐसे इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। इसके बाद ये 3 इंच का मार्क है, ये 1.5 इंच का मार्क हम ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। इसके बाद ये 1.5 इंच का मार्क यहाँ ऐसे सिलाई करेंगे, ऐसे हम आगे तक इसके ऊपर सिलाई करेंगे। देखिए, ऐसे हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इसके बाद यहाँ जो 1.5 इंच का मार्क है इसके ऊपर और ये 3 इंच का मार्क ऐसे हम ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे हमने ये जॉइन किया। इसके बाद इतना ये प्लास्टिक का पीस एक्स्ट्रा हुआ है, ये हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे, इतना एक्स्ट्रा हुआ था। इसके बाद देखिए, यहाँ से इसके ऊपर हमने 3 इंच का मार्क किया था और ये 1.5 इंच का मार्क हमने यहाँ से किया था, तो ये हम ऐसे यहाँ यहाँ इसके ऊपर सिलाई करेंगे और ऐसे हमें फोल्ड करना है इसके ऊपर यहाँ से। इसके बाद यहाँ देखिए, ये ऐसा है, तो हम ऐसे इसके ऊपर बॉक्स प्लेट बनाएंगे ऐसे। अगर प्लास्टिक के ऊपर मशीन नहीं चलती है तो यहाँ आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर सिलाई कर सकते हैं। ये ऐसे बीच बीच में ऐसे इसके ऊपर फोल्ड ऐसे हमें करना है बॉक्स प्लेट ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। इसके बाद हम ये 30 इंच बाय 3 इंच का और एक पीस हमने लिया है और यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्क किया और एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, और ऐसे ही हमने 1.5 इंच के मार्क किए हैं। इसके ऊपर हम ये जोड़ेंगे, ऐसे हमने ये पीस जॉइन किया जैसे हमने ये जॉइन किया था। इसके बाद 1.5 इंच बाय 14.5 इंच की ये स्ट्रिप हमने ली है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से एक फोल्ड और सेंटर से एक फोल्ड ऐसे, और ये हम यहाँ रखेंगे ऐसे। ये जो सिलाई है इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे, देखिए ऊपर से हमें सिलाई करना है और नीचे से हमें सिलाई करना है। देखिए ऐसे हमने ये स्ट्रिप जॉइन की है, यहाँ सिलाई की है, यहाँ सिलाई की है। इसके बाद यहाँ से
एक इंच का हम मार्क करेंगे, यहाँ से एक इंच और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद 14.5 इंचेस की ये जिपर ली है, जिप की सीधी साइड हम यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ जिपर जॉइन करने के बाद ये सिलाई हम नीचे की साइड में करेंगे ऐसे, और यहाँ हमें टॉप स्टिच करना है। देखिए यहाँ हमने टॉप स्टिच किया, इसके बाद ये साइड हम यहाँ जोड़ेंगे ऐसे। देखिए ऐसे हमने सिलाई की, इसके बाद ये ऊपर के साइड में हम करेंगे और यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। इसके बाद हमने ये 3 इंच बाय 14.5 इंच का प्लास्टिक लिया है, ऊपर से हमने पाइपिंग की जैसे हमने इसके ऊपर की थी, और यहाँ ये जो टॉप स्टिच किया है वहाँ पर हम ऐसे रखेंगे ऐसे, और सिर्फ नीचे से ही हमें इसके ऊपर सिलाई करना है। देखिए ये हमने सिलाई की, ये आप ये स्ट्रिप के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक यहाँ हिल जाएगा, इसके लिए हमने यहाँ सिलाई की है, यहाँ 5 नंबर की हमने सिलाई की है। इसके बाद ये हमने स्ट्रिप ली है 1.5 इंच बाय 14.5 इंचेस की, जैसे हमने ये पट्टी बनाई थी वैसे ही हमें दोनों साइड से एक एक हमें फोल्ड करना है। यहाँ हम फोल्ड करेंगे और इतनी छोटी सी ये स्ट्रिप बनेगी, और ये फोल्ड साइड हम यहाँ ये जो ऊपर की अभी जो हमने सिलाई की थी यहाँ इसके ऊपर ऊपर से हम रखेंगे, और इसकी दूसरी साइड यहाँ आनी चाहिए, ये जो फैब्रिक है जो फोल्ड किया हुआ है यहाँ पर आनी चाहिए, और सिलाई हम ऊपर से करेंगे, ऊपर की एक ही साइड में हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने एक ही साइड में सिलाई की है ऊपर की साइड में, ये हमने नीचे की साइड ऐसे ही रखी है, इसके ऊपर हमें बाद में सिलाई करना है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमें अभी सिलाई नहीं करना है। देखिए ये हमने ऐसे ही रखा। इसके बाद और एक प्लास्टिक शीट हमने ली है 3.5 इंचेस बाय 14.5 इंच की, यहाँ हमने 3.3 इंच का यहाँ से 3 इंच हमने मार्क किया था, तो इसके यहाँ थोड़ी सी नीचे ये प्लास्टिक की नीचे की साइड हम रखेंगे, चाहे तो यहाँ आप ऐसे ही स्ट्रिप लगा सकते हैं, ये इसके नीचे होनी चाहिए, इसके नीचे ये होनी चाहिए, और यहाँ हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने इसके ऊपर सिलाई की, यहाँ चाहे तो आप पट्टी लगा सकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर जाएगी। इसके बाद यहाँ से हमने 5 इंच का मार्क किया, यहाँ से भी 5 इंच का मार्क किया, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ यहाँ इसका मार्क दिखता है। इसके बाद यहाँ से भी हमने 5 इंच का मार्क किया है ऐसे, और इसके ऊपर हम यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ हमें लॉक करना है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये जिपर के ऊपर तक, यहाँ से यहाँ हम लॉक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई की, यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई की है, ये अभी तक हमें बाद में इसके ऊपर सिलाई करना है, और दोनों साइड में हम सिलाई करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 2 इंच का हमने मार्क किया, यहाँ से 2 इंच का एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से 4 इंच, यहाँ से 4 इंच एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये दोनों जिपर हमें एक यहाँ और एक यहाँ हम जोड़ेंगे, एक ऐसे हमें कटिंग करना है जो हमने 2 इंच का मार्क किया था इसके ऊपर। कटिंग करने के बाद एक जिपर हम लेंगे, जिप की सीधी साइड, फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर हमें इस तरह से रखना है, यहाँ हम सिलाई करेंगे। ये जिपर जॉइन करने के बाद सिलाई ये नीचे की साइड में ऐसे करेंगे, और यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। इसके बाद ये जिप जोड़ने के बाद ये कटिंग किया हुआ पीस यहाँ जोड़ेंगे ऊपर की साइड में, सिलाई करेंगे। इसके बाद ये हमें ऐसे ऊपर करना है, और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे, ऐसे ही ये जिप जोड़ेंगे। देखिए ये दोनों जिपर हमारे जॉइंट हो गए। इसके बाद यहाँ से और ये तीसरी जिपर है, इसमें हमें रनर डालना है। ये पीस बनाने के बाद हम इसको साइड में रखते हैं, और ये दूसरा पीस हम लेंगे 14.5 इंच बाय 27 इंचेस का। इसके ऊपर की साइड में देखिए ऐसे हमने फोल्ड किया और सेंटर का मार्क किया है, यहाँ से सेंटर से यहाँ 1.5 इंच और यहाँ 1.5 इंच, यहाँ से नीचे 1.5 इंच हमने मार्क किया, और हमें ऐसे राउंड शेप देना है ऐसे,
और ये शेप के ऊपर हम कटिंग करेंगे। इसके बाद हम पाइपिंग लेंगे, या आप फैब्रिक की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसे हमें, ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक ये पाइपिंग जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ पाइपिंग की, और ये पाइपिंग होने के बाद ये हम ऐसे नीचे रखेंगे ऐसे, और ये साइड जो ये दो जीपर की साइड ऊपर रहेगी और ये साइड नीचे रहेगी, ऐसे हम दोनों को साथ में जोड़ेंगे। ऐसे चारों साइड से हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने चारों साइड से सिलाई की। इसके बाद यहाँ हमने सेंटर का मार्क किया था, सेंटर से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच, और यहाँ से 1.5 इंच का हम ऐसे मार्क करेंगे। और मार्किंग के ऊपर हमें ऐसे ये 2 इंच का मार्क और ये 1.5 इंच का मार्क हम ऐसे जोड़ेंगे जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। और ये मार्किंग के अंदर से हमें पहले सिलाई करना है, और ये सिलाई होने के बाद हम ये मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ और यहाँ सिलाई की, और ये हैंगर हमने लिया था, इसका मेजरमेंट है 13.5 इंचेस। देखिए यहाँ से यहाँ तक 13.5 इंच है, तो ये हमने 14.5 इंच का लिया था। तो ये हम यहाँ से ये जिप हम ओपन करेंगे, और यहाँ से हमें इसे अंदर डालना है ऐसे ऐसे हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए इतनी स्पेस रहती है, तो यहाँ हम बाद में इसके ऊपर टॉप स्टिच कर सकते हैं, ऐसे ये रहेगा। इसके बाद यहाँ से ये जो हमने मार्किंग किया था, ये मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ से कटिंग किया है, ऐसा हमने शेप दिया, और ये शेप देने के बाद ये जो पहली जीपर है इसके नीचे यहाँ यहाँ हम इसका यहाँ ये जो टॉप स्टिच किया है इसके थोड़ी सी ऊपर हम ऐसे एक सिलाई ऐसे करेंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ एक सिलाई की, तो ये पॉकेट यहाँ एक पॉकेट हुआ। इसके बाद यहाँ हमने एक ही साइड में सिलाई की थी ऊपर, ये नीचे की साइड ऐसे ही है। इस अभी हम यहाँ नीचे की साइड में एक सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये जीप के ऊपर की जो स्ट्रिप की साइड है ऊपर से हमने सिलाई की, तो ये यहाँ से हम ओपन करेंगे, तो ये दूसरा पॉकेट यहाँ तक बना है यहाँ तक, और ये पॉकेट यहाँ नीचे तक, ऐसे ये 3 पॉकेट हुए हैं। और इसके बाद हम पाइपिंग लेंगे, यहाँ आप फैब्रिक की पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम ऐसे यहाँ से नीचे से हम सिलाई करेंगे, और ये पाइपिंग हम चारों साइड से करेंगे। देखिए ऐसे हमने पाइपिंग की है, यहाँ ये पाइपिंग थोड़ी सी ख़त्म हुई थी, तो ये हमने यहाँ फैब्रिक जॉइन किया, फैब्रिक की पाइपिंग की है। और ये हैंगर हमने इसके अंदर डाला है, ये हैंगर डालने के बाद ये ऐसे आप चाहे तो निकाल सकते हैं, या ऐसे कभी आपको ये फोल्ड करके लेके जाना है तो हैंगर निकाल सकते हैं, या अगर हैंग करके कबर्ड में रखना है तो यहाँ आप सिलाई भी करके ये हैंगर अंदर अंदर ही फिक्स कर सकते हैं। तो ये मैं भी आप निकालती हूँ, देखिए। और ये यहाँ ये इतना एक पॉकेट हुआ है। इसके बाद यहाँ से ये इतना बड़ा सा यहाँ तक ये पॉकेट हुआ है। इसके बाद ये और ये 3-3 6 पॉकेट, और फिर से यहाँ एक जीप का बड़ा पॉकेट है यहाँ तक। और ये छोटे छोटे दोनों साइड में बहुत सुंदर सी मार्केट जैसी ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र आप घर पे बना सकते हैं।